शलोम एंड वेलकम विद दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो लेंट सीजन के हवाले से है, लेकिन हमने इसकी इब्रानी रूट्स देखनी है, हिब्री रूट्स देखनी है कि हाउ इट इज़ कनेक्टेड, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है और ये सीखने वाली बात है कि हम कैथलिक तो कहते हैं, कैथलिक तो हमें पता है सीजन का, लेकिन टशिवा जो है दैट इज़ हिब्री रूट्स एंड हाउ, क्योंकि चाहे इस्लामी रोज़े हैं चाहे मसीही रोज़े हैं, वो सारे के सारे पुराने अहद नामे से कनेक्ट होते हैं। तो हमें मोटी मोटी बात तो पता है, खुदावंत के 40 रोज़ों का भी पता है, मूसा के 40 रोज़ों का भी पता है, लेकिन टशिवा इज़ आल्सो ए पीरियड है जिसमें जूश लोग भी रोज़े रखते हैं, एंड दैट इज़ ऑल बिब्लिकल। तो आज हमने इसको देखना है और आई थिंक सो कि ये कॉन्सेप्ट वहाँ से ही चला है सारे का सारा। अच्छा, लेकिन पहले देखें कि जो कैथलिक लेंट सीज़न है उसके अंदर 46 डेज होते हैं जी, और उसमें से 6 जो हैं वो दिन 6 संडेज होते हैं जिसको निकाल दिया जाता है, उसमें रोज़े नहीं रखे जाते, 40 दिनों में रोज़े रखे जाते हैं, और उसमें भी जो ख़ास दिन हैं गुड फ्राइडे हो गया और कुछ दिन होते हैं उसमें लाजमी रोज़े, राख का बुध जिसे आगाज़ होता है उस दिन भी लाजमी होता है कि रोज़ा रखा जाए, और फिर उसके बाद इसके अंदर होली वीक आता है जिसमें खजूरों का एतवार से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद मंडी थर्सडे आता है, फिर गुड फ्राइडे आता है, होली सैटरडे आता है, फिर उसके बाद ईस्टर संडे आता है। तो ये तो है उनकी कैथलिक बहन भाइयों की तरतीब जो उन्होंने सीज़न को दी हुई है, और हालांकि यीशु मसीह ने तो अपनी जो मिनिस्ट्री के आगाज़ में 40 रोज़े रखे थे, लिखा है जैसे ही वो पानी से निकला था, ठीक है, तो फिर रूह उसको जो है बियाबान में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात के बाद उसको भूख लगी। तो वो जो है वो खुदा उनकी मिनिस्ट्री के आगाज में है, ये हम बिल्कुल ईस्टर के टाइम पे करते हैं, फसा के टाइम पे करते हैं। सो दिस इज ऑल चर्च ट्रेडिशन कह रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सो विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि रोज़ा जो है उसका मकसद देखें, इस सारी बात का मकसद जो है वो यही है कि हम रोज़े में क्या करते हैं, खुदा उनकी कुर्बत हासिल करते हैं, खुदा उनसे माफ़ी मांगते हैं, रिपेंटेंस लेते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, और इस सीज़न में मकसद भी यही होता है कि खाक सारों कम हो, खुदा उनसे कहीं पर रिश्ता हमारा कमज़ोर है तो हम उसको हासिल कर सकें वापस, ठीक है जी। सो दिस इज कॉन्सेप्ट इज ऑल गुड, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि रोज़े चाहे आप लेंट के सीज़न में रखें चाहे लेंट के सीज़न से बाहर कभी भी रखें, क्योंकि खुदावन ने कहा था कि जब तू रोज़ा रखे तो तू ऐसे ऐसे कर, तो जब का मतलब है डेट वी कैन डू इट एनी टाइम, कोई फिक्स पीरियड नहीं है, और रोज़े हमारे पे फ़र्ज भी नहीं है, इसीलिए जब खुदावंद साथ थे तो खुदावंद ने कहा था कि दूल्हा जब तक बरातियों के साथ है वो जो है वो रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन वक्त आएगा कि वो रखेंगे। तो ये इस तरह नहीं है कि नहीं 40 दिनों में रखने, हम कभी भी रख सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी लेंट की बात, अब आते हैं हम जो तशिवा है, तशिवा इज आल्सो इट इज कॉल्ड रिपेंटेंस, ये सीजन है, ये ज्यूइश सीजन है, और उसमें भी क्या करते हैं 40 दिन जो है वो इसके अंदर दुआ रोजे और सदाका, सदाका कहते हैं सदके को, हैं कि उसमें वो चैरिटी करते हैं, लोगों को देते हैं, सो वो कहते हैं ये तीन काम इन 40 दिनों में हमने लाजमी कर रहे हैं, और ये टाइम पीरियड शुरू होता है फर्स्ट अलू से, पहली अलू से जो 6वां महीना है इब्रानी कैलेंडर पर, और ये चलता है 10 तिशरी तक जो 7वां महीना है, सो 6वें महीने की पहली तारीख से 7वें महीने की 10वीं तारीख तक ये 40 दिन बनते हैं जिसमें वो दुआ तफीला और तशिवा रिपेंटेंस तोबा और उसके साथ साथ सदका सदका जो चैरिटी है उसको वो बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, और इसके पीछे आप देखें जो रूट है, मेन रूट, वो ये कहते हैं कि पहली अलू को जो मुकद्दस मूसा हैं वो अहद की तख्तियाँ लेकर तो वो कोहे सीना पर गए थे, दूसरी दफ़ा जब गए थे, पहली दफ़ा अहद की तख्तियाँ टूट गई थी, गुनाह किया था, सो दूसरी दफ़ा वो कहते हैं कि अहद की तख्तियाँ मूसा खुदा ने कहा था अब तू ले के आ, तो वो जो है ना स्टोन के टेबलेट्स लेकर कोहे सीना पर गए थे, तो वहाँ से पहली एलू था उस दिन वो गए थे और फिर 10 तिशरी तक वहाँ पर रहे थे, और उसका मकसद यही था कि मूसा ने खुदावंद से रिकन्सिलिएशन की थी, क्योंकि इसराइल ने गुनाह किया था, उन्होंने बछड़े की पूजा की थी, तो वो खुदावंद के साथ रिकन्सिलिएशन करके आए, वो रिपेंटेंस उनकी लेके आए, सो मूसा दरमियानी के तौर पे भी थे, जैसे यीशु मसीह दरमियानी के तौर पे कलीसिया के लिए, मूसा दरमियानी के तौर पे थे बनी इसराइल के लिए, तो वहाँ पे जो है ना उससे पहले मूसा ने कहा भी खुदावंद अपनी किताब हयात से मेरा नाम काट दे मगर इनको माफ़ कर, तो खुदावंद ने कहा कि नहीं मैं तेरा नाम क्यों काटूं,
जो सजा जो गुनाह करता है उसी को सजा मिलेगी, ठीक है जी। तो दिस वॉज दिस इज ऑल वाई टूडे दे स्टिल सेलिब्रेट, और ये 40 दिन का नोहा, इसमें नोहा भी होता है लेकिन ज़्यादा तोबा के लिए होता है, रिपेंटेंस के लिए होता है। और टेशुवा का मतलब भी है रिपेंटेंस, तोबा और रिटर्न, एक दूसरा मतलब ये भी है वापसी, तो खुदा के साथ रिश्ते में वापसी। अच्छा, और फिर जैसे होली वीक है ना, उसके साथ ही आप देखें कि इनके जो आखिरी 10 दिन होते हैं पहली तिशरी से 10 तिशरी तक, उनको कहते हैं डेज ऑफ ऑ, हैं वो बड़े ही खाकसारी के दिन होते हैं। और उसमें कहा जाता है कि खुदावंद अब क्या करने लगे हैं, ही इज गोना री राइट, वो दोबारा से जो किताब हयात है उसमें नाम लिखेंगे। अगर किसी का नाम निकल गया है किसी वजह से, खता से, गुनाह से, तो अब जो है वो दोबारा लिखा जाएगा। तो इसलिए वो बहुत ही खाकसार होते हैं, दुआ करते हैं, हम्बल होते हैं और लोगों को देते हैं, खिदमत करते हैं और खुदा के साथ रिश्ते में रहते हैं, दुआ में, तफीला में बहुत टाइम गुजारते हैं। और पहली तिशरी को और बात देखें, पहली तिशरी को जो है वो भी होता है, नरसिंगों की ईद भी होती है, फिर उसके साथ साथ पहली जो 10 तिशरी उसमें योम कफारा होता है, और योम कफारा जो होता है उसको कहते हैं होलीएस्ट डे ऑन द ज्यूइश कैलेंडर, क्योंकि योम कफारा पे सारी कौम का गुनाह का कफारा होता था, उनको माफ़ कर दिया जाता था, और सरदार काहिन जो है वो खून लेकर पाक तरीन मुकाम में साल में एक दफ़ा ही जाता था, वंस, एंड दैट वाज द डे, इस दिन ये काम होता था। तो इसलिए इस दिन के लिए वो सारा कुछ करते थे कि एक तो मूसा जो है वो सारा कुछ लेके आया और हमारा कफारा हो गया और हमें खलासी मिल गई है, माफ़ी मिल गई है। तो ये है सारे के सारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट, और इन 40 दिनों में वो रोज़े रखे जाते हैं, और ये आखिरी बिल्कुल जैसे होली वीक है वैसे ये हाई हॉलीडेज गिने जाते हैं, ये बड़े पाक दिन गिने जाते हैं। अच्छा, और 10 तिशरी के बाद योम कफारा के बाद फिर जो है ना ईद ख़याम आती है, सकूत, सकूत का टाइम आता है, जो खैमों की ईद है वो आ जाती है। तो वो सारा सेलिब्रेशन का टाइम होता है कि खुदावंद ने हमें जो है वो हमने रिपेंटेंस किया, खुदावंद ने अपना कफारे से हमें माफ़ कर दिया। अब आ जाए लैंड की तरफ जो सीज़न है उसमें भी बिल्कुल ऐसे आता है कि आप माफ़ी कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, खुदावंद के लहू की उसकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं और उसके साथ रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, और जो ईद फसा पे यीशु मसीह की कुर्बानी हुई है, और उसके बाद जो है ईस्टर पे खुदावंद जिंदा हो गए। सो खुदावंद ने जिंदा होकर वैसे ही जैसे मूसा जो कलाम लेकर आ गया, वैसे ही खुदावंद अपना लहू लेकर हमें कफारा देकर तो बाप के दहने जा बैठे हैं, और वो हमारी मुसलसल शिफायत कर रहे हैं। आमीन। मूसा तो रहलत कर गए ना, मूसा तो मर गए, लेकिन यीशु मसीह जो जिंदा है और वो आज भी हमारी शिफायत कर रहे हैं। आमीन। सो दिस इज ऑल ज्यूइश रूट्स, हाँ, और इसीलिए जो चाहे इस्लामी रोज़े हैं चाहे मसीही रोज़े हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट जो है, रूट्स जो हैं, चूँकि बिब्लिकल रूट्स ओल्ड टेस्टामेंट की जो है वो पुरानी है, और वही हमें बियाबान के जो है ना 40 सालों से भी कनेक्ट करती है, मूसा के 40 रोज़ों से, दाऊद बादशाह के, आस्तर मलका से, सो वो सारी चीज़ों में ही आते हैं। लेकिन बुनियादी बात देखें, सारी तमाम बातें अपनी जगह, ये तालीमी और जो भी ट्रेडिशंस हिस्टोरिकली बातें, लेकिन जो असल बात है वो यही है कि एक आम इंसान जब रोज़ा रखता है तो वो खुदा उनकी कुर्बत हासिल करता है, वो पेट की कुर्बानी दे रहा है खुदा उनको, और ये चाहता है कि खुदा उनके साथ रिश्ते में आए दोबारा, खुदा उनसे कुछ पा ले दोबारा, हैं कुछ एक स्टेप और आगे बढ़ जाए रिश्ते में खुदा उनके साथ। और हमारा भी यही होना चाहिए, खाकसार होना, राख लगाने का मकसद यही है कि खुदा मैं कुछ भी नहीं हूँ, हैं मैं राख हूँ, राख ही हो जाऊँगा, तो तू ही सब कुछ है, इसलिए तू ही मुझे बरकत दे। और खुदा देता है, हैं खुदा तवज्जा हासिल करने के लिए भी रोज़े रखे जाते हैं ना, खुदा की तवज्जा हासिल करने के लिए, जैसे खुदा ने कहा था बनी इसराइल को कि जब तू बनी इसराइल को दुआ दे तो उसको कहना कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर्व फरमाए और तुझे और तुझ पर मेहरबान हो, और तीसरा था खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे, और लिखा था इस तरह तू खुदावंद के नाम को बनी इसराइल के ऊपर रख। तो खुदावंद जब मुतवज्जा होता है तो समझे सारी बरकत आपके ऊपर आ गई है। आमीन। आई होप यू हैव लर्न समथिंग गुड टुडे। God bless you.